जुड़ चुके हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम आपको दिखाएंगे आगे की तमाम तस्वीरें। यहां लगातार हमारी वहां कवरेज जारी है चुनावों को लेकर, और आपको बता दें कि 78 जो सीटें हैं वो बता दी गई हैं, बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। किस तरह के समीकरण साधे गए हैं और क्या सोचकर टिकट दिया गया है, जिन लोगों की उम्मीदें बनी हुई थी कि उनको टिकट मिल सकती है, क्या उन उम्मीदों पर खरी उतरी है पार्टी, तमाम चीजों को लेकर हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, दीपक शर्मा सोनीपत सिरसा और रोहतक का जो ब्यौरा है वो हमें देंगे, साथ ही राज वर्मा गुरुग्राम और फरीदाबाद से हमें बताएंगे कि किस तरह से सीटों पर समीकरण साधे गए हैं। सुंदर सोलंकी हमारे डिप्टी एडिटर भिवानी करनाल और हिसार का जायजा हमें बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र और अंबाला से विपिन परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। तो अतुल मैं आपके पास यहां पर आऊंगी। बिल्कुल सोनल, तो यहां पर जो तस्वीर है हम आपके सामने रख चुके हैं और हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। दीपक हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह से और राज भी हमारे साथ जुड़े हैं। राज, एक बड़ी खबर यह है कि दो मंत्रियों के नाम इस लिस्ट में नहीं है और दोनों ही कद्दावर। सबसे पहले तो यही एक अपने आप में अहम हो जाएगा और तमाम चर्चाएं वहां पर शुरू हो गई होंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो क्योंकि दो कद्दावर मंत्रियों के नाम लिस्ट में नहीं होना, टिकट कट जाना अपने आप में, अगर बात करें दक्षिण हरियाणा की तो खास तौर से एक बड़ी जो है राजनीतिक उलटफेर जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि किसी के भी टिकट कटे लेकिन इन मंत्रियों के टिकट नहीं कट सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी जो सूची आई है 78 नाम है इसमें और इन 78 नाम में कहीं भी दोनों ही मंत्रियों के नाम नहीं है, तो दो मंत्रियों के नाम कटना और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर की बात कर ले संतोष यादव उनका नाम कटा और कई और जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके भी नाम यहां पर कटे, तो जाहिर सी बात है कि जो समर्थकों के अंदर जो कहीं ना कहीं अब एक निराशा है कि नाराजगी है कि जो उम्मीद कर रहे थे कि उनके नेताओं को उनके मंत्री को एक बार फिर से जो है टिकट मिलेगी लेकिन टिकट इस बार कटी है, तो एक एक बड़ी जो उलटफेर जो है वो देखने को कहीं ना कहीं मिला है जो बीजेपी ने सूची जारी की। और कल से ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि कल सूची जो जारी होनी थी और उसके बाद ही कुछ इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कल नहीं सूची जारी की गई, आज जो है 4:30 बजे पीसी कर सूची जारी की गई, तो कहीं ना कहीं जो उठा पटक था वो शुरू हो चुका था कल और जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले भी हमारे सहयोगी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि कौन कौन मंत्री हैं जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं हो सकते। तो विपुल गोयल के अलावा राव नरवीर सिंह दोनों ही जो कद्दावर नेता है मंत्री रहे हैं और एक वर्चस्व रहा है इस इलाके में दोनों ही, तो दोनों के नाम कटना कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है संकेत कहीं ना कहीं पार्टी ने यहां पर दिया है। और इसके अलावा जो दूसरे सिटिंग एमएलए हैं उनके भी यहां पर टिकट कटे, तो देखिए कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत सारी ऐसी सीट है जहां से कुछ सिटिंग एमएलए के टिकट कट सकते हैं, लेकिन इस समय अतुल की मंत्रियों के टिकट कट जाए ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बिल्कुल राज, मंत्रियों के टिकट कट जाए ये किसी ने नहीं सोचा था और दो ऐसे बड़े नाम थे। सोनल के पास एक बार फिर से हम चलते हैं, बड़ी खबर की वो जानकारी हमें देंगी सोनल। और चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लगातार हमारी महाकवरेज जारी है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से 78 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इन सीटों पर उम्मीदवारों का इंतजार, गन्नौर पानीपत सिटी और खरखौदा पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं, फतेहाबाद आदमपुर और तोशाम का इंतजार भी बाकी है। इन सीटों पर अभी इंतजार हो रहा है कोसली रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये तमाम सीटें हम आपको बता रहे हैं जिन पर अब इंतजार हो रहा है। पहली लिस्ट जारी कर दी गई है 78 उम्मीदवारों की, 12 सीटों पर उम्मीदवार इंतजार में हैं कि किसको टिकट मिलता है, किसका टिकट कटता है, किस तरह के समीकरण देखकर बीजेपी पार्टी अपने उम्मीदवारों की आगे की लिस्ट जारी करती है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहा है, 12 सीटों पर उम्मीदवारों को इंतजार है लिस्ट का, गन्नौर पानीपत सिटी और खरखौदा, और साथ ही आपको बता दें कि फतेहाबाद आदमपुर और तोशाम इन सीटों पर भी इंतजार हो रहा है उम्मीदवारों का, कोसली रेवाड़ी और गुरुग्राम। 12 सीटें बची हैं, 78 नाम आज आ चुके हैं, 12 सीटें बची हुई हैं जिन पर इंतजार हो रहा है उम्मीदवारों का। अब देखना होगा कि आगे की लिस्ट कब जारी की जाती है। आज 78 नाम बीजेपी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, 78 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, 12 सीटें बची हुई हैं।
और हमारे सहयोगी अतुल लगातार हमारे साथ हैं। अतुल, क्या लगता है कि आगे की लिस्ट किस तरह से आगे समीकरण साधे जाएंगे बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी सुंदर सोलंकी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि 12 सीटों पर तो अभी इंतजार होगा, लेकिन 78 पर जो तस्वीर साफ हुई है उससे झटका भी लगा है। राजकाम एक बार फिर से रुक करते हैं, विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन राज, अगर गुरुग्राम फरीदाबाद की बात करें, दो मंत्रियों के नाम की बात करें, तो आखिर क्यों इस तरीके का झटका, और यहां पर इंतजार भी है गुरुग्राम के लिए अभी? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, गुरुग्राम की सीट को लेकर तो कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट काटी जा सकती है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेबल है कि बादशाहपुर और अगर फरीदाबाद की बात करें तो दोनों मंत्रियों के नाम जो कटना कहीं ना कहीं ये समर्थकों ने और मंत्रियों ने भी नहीं सोचा था। तो ये बिल्कुल सोच से परे जो है वो एक लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। लेकिन अभी क्योंकि 12 भी नाम है, तो ऐसे में चर्चाएं ऐसी भी है कि क्या जो राव नरवीर है उन्हें बादशाहपुर की जगह क्या कोसली से लड़ाया जा सकता है, क्या इस तरह के भी समीकरण या संभावनाएं बन सकती, क्योंकि इस तरह की भी चर्चाएं कुछ जो इस लिस्ट के बाद जो है वो शुरू हुई है। तो अब ये देखना होगा कि जो 12 नाम है जिसमें कोसली और रेवाड़ी भी आतंकी मंसूबे, दो सीटों पर राव नरवीर को मौका दिया जा सकता है, या फिर पूरी तरह से अब जो अगली 12 लोगों की लिस्ट भी आनी है उसमें भी नाम नहीं होगा। तो ये देखना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही लोकसभा के लिए बात करें तो दोनों ही जो मंत्री है, दोनों ही जो नेता है, उनका एक वजूद रहा है। राव नरवीर सिंह की बात करें तो कई ऐसी सीट है जहां उनका सीधा प्रभाव रहा है, और बादशाहपुर से जो है 2014 में बीजेपी की टिकट से लड़कर उन्होंने जीत हासिल की और मंत्री बने, और विपुल गोयल भी जो है 2014 में बीजेपी की टिकट से लड़े और मंत्री बने। तो कहीं ना कहीं उम्मीद से परे जो है, खास तौर से दो मंत्रियों की बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीद से परे जो है वो ये जो लिस्ट जारी हुई है। तो समर्थकों में जाहिर सी बात है नाराजगी, निराशा। अब आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से ललकारा है, दो टूक चेतावनी दे दी मंत्रियों को, इन दोनों नेताओं को। बीजेपी जो 12 लोगों की जो अभी 12 सीटों की जो भी डिक्लेयर होनी है उनमें इनके कहीं और से नाम हो सकते हैं। चलिए, यानी कहीं और एडजस्टमेंट की अभी गुंजाइश शायद हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना कितनी है या बिल्कुल भी नहीं है, यह भी अपने आप में एक सवाल है राज। क्योंकि इनका यहां से टिकट कटना और जिन वजहों से टिकट कटा उसके बाद दूसरी लिस्ट में इनका नाम एडजस्ट होगा नहीं होगा, यह अपने आप में सवाल है बड़ा। विपिन, यहां पर अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर से लेकर दो मंत्रियों तक के पत्ते कट गए, एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से लिस्ट बनाई गई, इंतजार लंबा हुआ और उसके बाद ये लिस्ट सामने आई, संदेश सीधा सीधा दिया है पार्टी ने, दबाव नहीं चलेगा? देखिए, संदेश यह भी दिया है कि दबाव नहीं चलेगा, और संदेश यह भी दिया है कि 75 पार के आंकड़े को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी। और इसी का परिणाम है कि ये जो सूची है इसमें जो नाम कटे हैं, जाहिर सी बात है प्रदेश की सियासत में बड़े कद्दावर नाम, दो नामों की अगर बात की जाए, क्योंकि बादशाहपुर सीट की अगर बात की जाए तो वहां से जो सूत्र बताते हैं कि किसी और नाम का कोई कैंडिडेचर जो है वो नहीं था। ऐसे में राव नरवीर का टिकट कटना और साथ ही साथ विपुल गोयल का टिकट कटना कहीं ना कहीं सीधा संदेश है कि आप दबाव डालिए या कुछ करिए, हम जो है वो 75 पार के आंकड़े के लिए बिल्कुल फोकस्ड हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें महिलाओं पर, जो है अगर बात करें 9 महिलाओं को जो है वो टिकट दिया गया है, खिलाड़ियों जिन्होंने रिसेंटली अभी पार्टी ज्वाइन करी थी, चाहे वो योगेश्वर दत्त हो, बबीता फोगाट हो, संदीप सिंह हो, इन तमाम पर विश्वास जताया गया है। इसी के साथ साथ माइनॉरिटीज के से संबंध रखने वाले जो नेता है उन पर भी यकीन जो है वो दिखाया गया है। जाहिर सी बात है अगर बात करें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सूची जो कि मोस्ट अवेटेड सूची जिसे कहा जा सकता है, और लगातार हर व्यक्ति की निगाहें जो है इस सूची पर बरकरार बनी हुई थी, ना केवल इस सूची पर बनी हुई थी बल्कि जब ये लिस्ट तैयार की जा रही थी कई तरह के कयास चल रहे थे, किस तरह कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही थी, कई बड़े बड़े नामों की टिकट कटने की बात जरूर आ रही थी, विधायकों की टिकट कटने की बात जरूर आ रही थी, लेकिन इस स्तर पर ये काटे जाएंगे ये शायद ही किसी ने सोचा था। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सीधा संदेश पाटियाला कमान के द्वारा दिया गया है कि आपकी जो परफॉर्म कार्यकर्ताओं पर के द्वारा मिली है उसी के आधार पर जो है वो टिकट कटे हैं। तो जाहिर सी बात है अब देखना ही होगा कि अब 78 का जो आंकड़ा है वो तो जारी कर दिया गया, यानी कि आपने अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन 12 पर किस तरह से रहता है? क्योंकि अगर बात करें, ये चर्चा थी कि तमाम जो नेता है, तमाम जो बड़े नाम है इस लिस्ट में, जो चौंकाने वाले जो ये लिस्ट आएगी, जाहिर सी बात है प्रदेश की निगाहें जरूर इस लिस्ट पर थी, लेकिन वो चौंकाने वाला फैक्टर जरूर इस पूरी लिस्ट। बिल्कुल विपिन, आपने सही कहा कि 75 पार
करने के लिए 78 नाम तो आज सामने आए और रणनीति यही है कि जो करना है वो करना है, 75 पार करना है। को ब्लैकमेल कर रहे हैं, 12 नाम और रहे, 12 जगह और है, उनको होगी आगे होगा सीधा में जिनके पत्ते आज कटे हैं, दो बड़े नाम है। लेकिन सुंदर सवाल इस बात का भी है कि अगर बेल्ट वाइज हम देखें तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, दो जगहों से दो बड़े नामों का जो कि पद पर थे, आसीन थे सत्ता में, उनको झटका दिया गया है। अब उसके अलावा अन्य सीटों की अगर हम बात करें, सोनीपत की बात करें तो वहां पर भरोसा वैसे ही रखा गया, तो कुछ जगहों पर पुनरावृत्ति है, यानी रणनीति वहां पर यह थी कि जीतना है और जिताऊ कैंडिडेट उनको दिखे। अतुल जी, दरअसल बात यह है कि जिस तरह से ये लगातार दो मंत्रियों के टिकट कटने की तो बात है ही, इसके अलावा कई सारी नई चीज देखने को मिल रही है। जो नए कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया गया है। अगर राय की बात करें, सोनीपत का खास हल्का माना जाता है, पूरे प्रदेश में एक इतिहास बना के किस तरह से केवल 4 वोटों से एक विधायक बनते बनते रह जाता है और बिल्कुल एक दिन पहले ही फैसला आता है। तो राय में जिस तरह से मोहनलाल बड़ोलुई को जिस तरह से मौका दिया गया, क्योंकि कृष्णा गहलावत को लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ाया था और ये माना जाता था पिछली बार भी वो राय सही तौर इंडिया बुल बड़ा नाम लेकिन उनको दरकिनार किया गया। राय में बड़ौदा हल्के की बात करें, वहां से योगेश्वर दत्त एक बड़ा नाम, जाट नॉन जाट इस तरह के समीकरणों को साधने की, क्योंकि जाट बेल्ट पूरी तरह से माना जाता है। बड़ौदा की बात करें, खरकोदा की बात करें, हालांकि खरकोदा की डिक्लेयर नहीं हुई है, गुहाना की बात करें, गुहाना में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बीजेपी ने रामचंद्र जांगड़ा जो ओबीसी के चेयरमैन भी रहे और काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, पिछली बार उन्होंने बाकायदा टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी अपना टिकट दोबारा घोषित करवा लिया था। उनका टिकट काट देना, एक 28-30 साल के लड़के को टिकट दे देना, ये अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें कई सारे समीकरणों को साधने की बात की है, चाहे जाट नॉन जाट की बात हो, जिस तरह से सोनीपत में गन्नौर की हालांकि अभी भी सीट नहीं हुई है, और इसके अलावा बात करें क्योंकि शहरी का तो अमूमन ये स्थिति थी कि पानीपत शहरी की बात करें तो ये कविता जैन या राजीव जैन को लड़ना ही था, तो ये तय था। तो सोनीपत के लिहाज से अगर जो फेरबदल है मुख्य तौर से राय, बड़ौदा, योगेश्वर दत्त और गुहाना, ये अपने आप में बड़ा फेरबदल है। बिल्कुल, चलिए तो बड़ा फेरबदल है और उसके पीछे के समीकरण क्या थे वो सुंदर हमें समझा रहे थे। एक बार फिर से हम दीपक का रुख करते हैं। दीपक, अगर हम बात करें सिरसा करनाल और रोहतक की, चूंकि आप मुख्यालय पर मौजूद हैं, एक एक रिपोर्ट वहां पर आपने हमारे साथ साझा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाया कि किस तरीके से वहां पर 78 नामों का ऐलान हुआ की और वहां पर युवाओं को भी मौका, कई और नई चीजें हैं, इन तमाम जगहों का ख्याल कैसे रखा गया? रोहतक को साधना इस बार बेहद जरूरी है, लोकसभा तो साध लिया लेकिन विधानसभा में समीकरण इतने आसान नहीं होंगे, बीजेपी भी जानती है। जी बिल्कुल, अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में ज्यादा बड़े बदलाव तो नहीं, क्योंकि जिनका लगभग नाम है और रिपोर्ट कार्ड अच्छा था, लेकिन हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि मेन उनका गढ़ है और उनकी विधानसभा की बात की जाए तो भाजपा के सामने सबसे मजबूत नाम उस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सतीश नांदल का था, और सतीश नांदल जो कि इंडियन नेशनल लोकदल से आए थे भाजपा में। इंडिया न्यूज हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये पहले ही 4 दिन पहले ही ये बात चला दी गई थी कि रोहतक से अगर बात की जाए किलोई से सतीश नांदल जो है वो उम्मीदवार होंगे, तो उनको उम्मीदवारी तौर पर उतारा गया। इसी तरीके से मनीष ग्रोवर दोबारा उन्हें मौका दिया गया। अगर हम बात करें तो बादली से ओपी धनखड़ बड़ा चेहरा ही है अगर बात करें प्रदेश की राजनीति का, बल्कि किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे हैं। इसी तरीके से बहादुरगढ़ में भी जो टिकट की बात की जाए तो रिपीट की गई है। हम सिरसा की बात करें, सिरसा में अगर जिस तरीके से देखें, क्योंकि चौटाला परिवार पर नजर रखना, चौटाला परिवार क्योंकि सबसे पहले गढ़ कैसे ढहाने हैं ये भाजपा ने जरूर रणनीति बनाई है। चौटाला परिवार की अगर बात की जाए तो यहाँ एलनाबाद की अगर हम सबसे पहले जिक्र कर लेंगे, एलनाबाद जहाँ से अभय सिंह चौटाला वो चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में उनके सामने पवन बेनीवाल को उतारा गया है। पवन बेनीवाल जो कभी वो भी इस तरह से जुड़े थे, लेकिन पवन बेनीवाल वहां के मजबूत माने जा रहे थे पिछले काफी समय से। ये भी देखा कि प्रशासनिक तौर पे बिना विधायक के उनकी वहां पर चला करती थी ताकि वो लोगों की समस्याएं सुन सके, लोगों के काम का निवारण कर सके, तो उसी टाइम से ये चर्चा चल गई थी, तो पवन बेनीवाल को उतारा गया। इसी तरीके से दुष्यंत चौटाला की माता जो है नैना चौटाला, वो हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से डबवाली से वो चुनाव लड़ती है, विधायक है अभी इंडियन नेशनल लोकदल से थी, अब वो जेजेपी से, तो उनके सामने चौटाला परिवार के ही आदित्य देवीलाल जो कि दुष्यंत के
चाचा लगते हैं, तो रिश्ते में इवन है युवा अभय चौटाला के भाई लगते हैं, कजन हम कहेंगे। तो आदित्य देवीलाल को उतारा गया है यहाँ पर नैना चौटाला के सामने। तो नैना, हम आदित्य चौटाला की भी बात करें तो एक लंबे समय से, क्योंकि जिला परिषद के पार्षद है आदित्य चौटाला, तो उनको भी काफी समय से लगातार अगर हम देखें तो प्रशासनिक तौर पर एक अच्छी पकड़ थी, लोगों की समस्याएं सुनना, पंचायती स्तर के लगाना, लोगों के पास जाना। तो ये कहा जा सकता है कि ये पहले से पूरी एक रणनीति की किस तरीके से जो पुराने गढ़ रहे हैं, बड़े राजनीतिक परिवार रहे हैं, उनके क्षेत्र में मजबूत जो उम्मीदवार होंगे वो कौन कौन से होंगे। जिस तरीके से इनेलो के सतीश नांदल को उतारा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, पवन बेनीवाल को उतारा गया अभय सिंह चौटाला के सामने, दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला के सामने, उन्हीं के परिवार के आदित्य देवीलाल को उतारा गया जो जिला परिषद के पार्षद है, ये तमाम यहाँ पर नाम रखे गए। दुष्यंत चौटाला के नाम, हालांकि इशार वे आ जाएंगे, दुष्यंत चौटाला के सामने प्रेमलता को ही मौका दिया गया है। तो तमाम समीकरण यहाँ बिठाने की कोशिश की गई है, तमाम वो प्रयास किए गए कि किस तरीके से भाजपा जो 75 पार की बात करी थी उसे कैसे मजबूती के साथ और आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तमाम वो फैक्टर है जिनको ध्यान में रखा गया, प्रदेश स्तर पर नेताओं ने चर्चा की, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व को एक एक इनपुट दिया गया। विपिन का रुख करें, उसके पहले राज मैं आपके पास आऊंगा। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ की हम बात करें तो यहां पर, और गुरुग्राम चूंकि इंतजार अभी है, इस पूरे बिल्ड को कैसे कवर कर रहे हैं, और इसमें जो बदलाव की चर्चाएं थी, एक झटका भी यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जगहों पर उसी तरीके से जो पहले था उसकी पुनरावृत्ति की गई। बिल्कुल, देखिए अगर भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर लें तो महेंद्रगढ़ में डिप्टी स्पीकर संतोष यादव का टिकट काटा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है उनके लिए यहां पर है, और कहीं ना कहीं कयास भी लगाया जा रहा था, एक विरोध जो है वो कहीं ना कहीं देखने को वहां पर मिल रहा था। इसके अलावा बात करें बबीता फोगाट को भी जो है वो टिकट दिया गया है, कुछ नए चेहरे भी यहां पर लाए गए हैं। जबकि बात करें भिवानी की बात करें तो वहां से जो सिटिंग विधायक है उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कुछ टिकटें जो कटी है, इसके अलावा नए जो चेहरे आए हैं, तो वही एक समीकरण साधने की कोशिश है बीजेपी, क्योंकि जैसे कि मेरे सहयोगी ने कहा विपिन ने कि जो 75 पार का जो आंकड़ा लेकर जाना, तो उसके लिए तमाम तरह के जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो लिस्ट है वो जारी की गई है, कि कहीं जहां भी कहीं अगर लग रहा था कि पार्टी कमजोर है, कैंडिडेट कमजोर है, वहां पर नए चेहरों को मौका दिया गया, कुछ सिटिंग विधायकों के नाम काटे गए हैं। तो वहीं अगर गुरुग्राम लोकसभा की बात कर ले तो यहां पर भी अगर सबसे जरूरी हो जाता है जो जिला है, जो कि नूह जिला है, वहां की जो 3 सीटें हैं बीजेपी का कमल कभी नहीं खिला, तो ऐसे में जो 2 सीटिंग जो कि दूसरे दलों से एनएलडी से जो विधायक थे जाकिर हुसैन थे, नसीम अहमद है, उन्हें बीजेपी ने मौका दिया है। और इसके अलावा पुनहाना की बात कर ले तो पुनहाना पे महिला को एक युवा जो चेहरा है उसे बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो कोशिश यही है कि जहां जहां जीत के समीकरण से बीजेपी दूर थी वहां कुछ ऐसे उम्मीदवारों को उतारा गया जिनकी साफ छवि रही है, और कहीं ना कहीं जो है वो जीत वहां पर दिला सकते हैं कि जहां कमल नहीं खिला था वहां पर बिल्कुल कमल वहां भी खिलेगा, और उसके लिए शायद अपने मंत्रियों को भी अलग कर दें तो बेहतर होगा। अतुल, इसमें एक खास बात और है, जिस तरह से पुनहाना का जिक्र किया है, मेवात की सीट का जिक्र किया है, तो रहीसा खान राज्य मंत्री रहे थे, बड़ा दर्जा था, वकफ बोर्ड के चेयरमैन थे, और ये माना जा रहा था, और पूरे टाइम 5 बरस तकरीबन बीजेपी के साथ रहे, ऐसी स्थिति में, और रहीसा पुराना अजमत खान का जो खानदान है पूरी, वो सियासत को उसको आगे बढ़ाते हैं, आजाद उनके जो भाई हैं वो डिप्टी स्पीकर रहे, लेकिन रहीसा खान के जगह एक नई युवा लड़की है, राम सिंह जो जज होते थे उनकी बेटी हैं, तो उनको नौक्षम चौधरी उनका नाम है, उनको बीजेपी का चुनाव में उतारना, दरअसल ये पहले से ही संघीय नीति रही है कि मेवात की 3 सीटों में से एक टिकट हिंदू को देना है। हाँ। क्योंकि अमूमन नूह की सीट पर चाहे संजय सिंह लड़ते रहे, तो ये इस तरह की स्थिति है, और उसके साथ ये बात लगातार चल रही थी कि क्या 3 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट होंगे, लेकिन संघ का ये कहना है कि अपने को मेवात में जिस तरह से एक हिंदू कैंडिडेट होना ही चाहिए, और ये रवायत चली आ रही थी, और उसको पूरा करते हुए नौक्षम चौधरी को, ये भी बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि रहीसा खान भी वहां से बड़े कद्दावर, क्योंकि बीजेपी के लहर के बावजूद वो इंडिपेंडेंट जीते थे जी। लेकिन देखिए बड़ी बात बता रहे हैं सुंदर, यहां पर बड़ी जानकारी भी कि एक बड़ा नाम, लेकिन उसके बाद भी संघ की नीति रणनीति और उनके संकेत और संदेश के बाद एक युवा को मौका दिया गया, और फिर क्या बैलेंस किया गया है,
कि दो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भले कहीं और से आए उनको भी मौका दिया गया, क्योंकि सीट जीतनी है, लेकिन वहां पर बैलेंस एक और भी रखा गया है जिसका जिक्र सुंदर कर रहे थे। विपिन, अगर अंबाला कुरुक्षेत्र की हम बात कर लें तो यहां की तस्वीर भी बड़ी रोचक थी, विद साहब का अपना कि किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसके अलावा कुरुक्षेत्र की जो राजनीतिक लड़ाई है वो, उन तमाम चीजों को देखें तो कैसे बैलेंस किया गया यहां पर? देखिए सही सी बात है, कहीं ना कहीं सियासत के समीकरणों में 19-21 नहीं चलता, क्योंकि आप अमूमन आप जिंदगी में तो 19-21 ले लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम उस लक्ष्य को साधने के लिए 19-21 जहां भी दिखा है वहां पर तब्दीली की है। जिस तरह से अगर बात करें अंबाला बता रही है घर की दुश्मन, ज्यादातर जो की अंबाला कैंट से चुनाव लड़ते हैं वो एक बार फिर से उन्हें ही मौका दिया गया है, और इसी के साथ साथ अगर बात करें वो तमाम चेहरे आपको इस सूची में अंबाला कुरुक्षेत्र की सूची में दिखेंगे जो की पिछली विधान समय बीती, चाहे वो शाहबाद से कृष्ण बेदी हो, चाहे थानेसर से सुभाष सुधा हो, जगाधरी से अगर बात करें कृष्णपाल, तमाम वो नाम जो है कंवरपाल गुर्जर जो कि विधानसभा के अध्यक्ष है, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस बिठाने का काम जो है, क्योंकि युवाओं के साथ जो है एक इस पूरी सूची को कहीं ना कहीं एक तालमेल बिठाकर जो है अनुभव और युवा का तालमेल जो है यहां पर बिठाया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें जहां पर इंद्री की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से इंद्री से करणदेव कंबोज का टिकट बदला गया, उन्हें रादौर से श्याम सिंह राणा का टिकट काटकर उन्हें रादौर से जो है उन्हें शिफ्ट किया गया और उनकी जगह पर रामकुमार कश्यप उनको जो है वो यहां पर उतारा गया, तो जाहिर सी बात है उस 19-21 की तमाम गुंजाइशों को खत्म किया गया। और जाहिर सी बात है अगर बात करें कलायत से कुछ ही दिन पहले ही INLD का हाथ छोड़ दामन छोड़ रामपाल माजरा जो कि कलायत से संबंध रखते हैं उनके द्वारा जो है यहां पर BJP को ज्वाइन किया गया था, ताल जरूर ठोकी गई थी, लेकिन पार्टी के द्वारा अपने उस कार्यकर्ता को मौका दिया गया। पूरी सूची में अगर अतुल गौर से देखा जाए तो वो कार्यकर्ता अतुल एक और खास बात है, भाभी के साथ रोकना चाहूंगा, विपिन सुंदर कुछ जानकारी दे रहे हैं सुन लेते हैं। एक बड़ी खास बात ये है, मुलाना जो सीट अंबाला की खास सीट मानी जाती थी, संतोष सारवान पिछली बार बात करें तो वो सिरसा से लोकसभा की एक प्रबल दावेदार थी, लेकिन लोकसभा में टिकट ना होने के कुलदीप बिश्नोई के साथ गठबंधन होने की वजह से लोकसभा में वो चुनाव नहीं लड़ सकी। मुलाना से उन्हें संतोष सारवान पहले भी राजनीतिक परिवार से आती है, उनका टिकट कटना ये अपने आप में बड़ी चौंका देने वाली बात है। अमूमन ये बात आ रही थी क्योंकि जिस तरह से CM विरोधी खेमे का उन पर एक पहचान सी जिस तरह से बन गई थी, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से विरोध हुआ उन विधायकों में उनका नाम था मुख्य तौर से, तो ये राजवीर बराड़ा को टिकट देना ये पुराने कार्यकर्ता है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो इस सारे अंबाला की बात करें तो तकरीबन सभी सीटों को जो उम्मीदवार जो जीते हैं कैंडिडेट उनको दिया गया है, या इसके अलावा तो ये मुख्य तौर से देखने वाली बात है मुलाना का टिकट कटा। हाँ विपिन अपनी बात पूरी करें आप। देखिए जाहिर सी बात है और सुंदर कहीं ना कहीं ये तमाम समीकरण इसीलिए क्योंकि आप अगर बात करें जिताऊ कैंडिडेट्स की आपने, क्योंकि पहले दिन से ही BJP का यही ध्येय रहा जब टिकट जो स्क्रूटनाइजेशन का एक प्रोसेस हुआ, क्योंकि हजारों की संख्या में आवेदन आए और उसके बाद जो स्क्रूटनी की गई जाहिर सी बात है फोकस इसी बात को लेकर किया गया कि कोई भी गुंजाइश जो है वो नहीं छोड़ी जाए। और इन दोनों लोकसभाओं की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है आपको पता है आपका विपक्षी खेमा किन चेहरों को आपके आगे उतारने वाला है, तो उसी को जो है सामने रखते हुए ये कहीं ना कहीं प्रयास यही किया गया है कि जो कार्यकर्ता है उसको भी पूरी तरह से दरकिनार ना किया जा सके, उसको भी साथ लेकर चला जा सके, क्योंकि कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करता है, जनता के पास जाकर उन तमाम नेताओं के लिए वोट मांगता है, तो यही प्रयास यहां पर किया गया। और तमाम बड़े राजनीतिक का घरानों से संबंध रखने वाले या फिर बड़ी पहचान रखने वालों के भी टिकट कटे हुए इस लिस्ट में नजर आते हैं। चलिए, यानी झटका भी दिया गया है और झटका ना लगे इसका ख्याल भी रखा गया है। सुंदर, अब सवाल इस बात का है कि झटका जिसको दिया गया वो तो झटका देगा ही, और तमाम पार्टियां, नई पार्टी हो, सबसे पुराना दल जो कि 9-9 घंटे 12-12 घंटे मंथन कर रहा है मिस्त्री साहब, तमाम चीजों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, उन लोगों की भी नजर होगी कि अगर बड़ा झटका है तो कुछ हमारे पास आय राम गय राम वाली तस्वीर साफ हो या कुछ गुंजाइश बने, अब संकेत उसी के मिल सकते हैं आगे। निश्चित रूप से, क्योंकि जो दूसरे दल हैं वो इसी इंतजार में हैं कि जिस तरह से BJP का टिकट आए और नाराजगी जिस तरह से बढ़े, जिन उम्मीदवारों ने ये सोचा हुआ था कि उनका टिकट पक्का है, मजबूत दावेदार हैं, चाहे रईसा खान की बात करें, संतोष सारवान की बात करें, राव नरवीर की बात करें, विपुल गोयल की बात करें, और इस तरह के अमूमन ये लोगों को तो ये माना जा सकता है कि चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन जिस तरह की नाराजगी आएगी देखने को वो BJP के लिए चुनौती भरा तो है ही। बिल्कुल ना, इसके अलावा बात करें
कई सारी ऐसी सीट हैं जिस पर कैंडिडेट, अगर फरीदाबाद की हम बात करें, फरीदाबाद की स्थिति की बात करें, नगेंद्र भड़ाना है जो इनेलो के साथ काफी टाइम रहे, इनेलो से चुनकर आए थे लेकिन बीजेपी के साथ रहे और उसके बाद उन्हें वहां यशवीर डागर हुआ, बीजेपी के खास नेता हैं, वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट मिले लेकिन इस तरह की स्थिति बनी कि नगेंद्र भड़ाना जिस तरह से चाहे सीएम के करीब आए, कृष्ण पाल गुर्जर के करीब आए तो उनको टिकट दे दिया गया, वहां कुछ नाराजगी होगी। इस तरह की स्थिति आप प्रथला की बात करें, टेकचंद शर्मा प्रथला के विधायक थे, बीएसपी से चुने गए और फिर बीजेपी में आ जाते हैं, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा लेकिन सोनपाल को आरएसएस का करीबी होने के नाते, कृष्णपाल गुर्जर की सपोर्ट होने के नाते इस तरह से टिकट दे दिया गया। होडल की बात करें वहां स्थिति यही थी कि जगदीश नायर, रामरतन पुराने उनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं लेकिन उनको दरकिनार किया गया, जगदीश नायर INLD से चुने गए थे और उनको फिर अब बीजेपी में लाया गया जिस तरह से टिकट दिया गया। तो इस तरह की जो नाराजगी है, जो नए जो चेहरे आए और पुरानों को दरकिनार किया गया तो वो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग हैं जो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और आया राम गया राम फिलहाल थोड़े दिन में दिखाई देगा या उसके बयान भी सामने आने लगेंगे। दीपक का एक बार फिर से हम रुख करते हैं, उसके बाद मैं राज के पास चलूंगा। दीपक, सवाल इस बात का था कि 78 नामों का आना, कई नामों पर जो कहा जा रहा था कि परिवारवाद का मसला है या इनको नहीं मिलेगा, कुछ और नाम है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, वो यथास्थिति बनाने में कामयाब रहे लेकिन जो यथास्थिति बनाना चाहती है रोहतक में कम से कम बीजेपी, क्या वाकई लगता है कि जिस नाम पर सहमति बनी है वो वहां पर उस एक नाम को टक्कर दे पाएंगे जिसका गढ़ माना जाता है वो? जी बिल्कुल, प्रयास पूरा है रोहतक के अंदर टक्कर देने का, क्योंकि यही कारण है कि पिछले दिनों में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हालांकि प्रदेश का मुख्यालय भी रोहतक में है लेकिन इसके अलावा और भी कई कार्यक्रमों की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें तो उसमें करीबन दो कार्यक्रम रहे, इसी तरीके से अमित शाह, जेपी नड्डा, कई कार्यक्रम वहां पर रहे। एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, प्रदेश के दो मंत्रियों के जो टिकट कटे, एक तो विपुल गोयल, लगभग टिकट कट ही गया बीजेपी का, क्योंकि अब उनके लिए कोई ऐसी विधानसभा आसपास बची नहीं, लेकिन जो भी हमें जानकारी मिली है रोहतक लोकसभा के अंदर ही कोसली विधानसभा आती है, उसकी लोकसभा तो कोसली की लगती है रोहतक, लेकिन कोसली में विक्रम ठेकेदार जो विक्रम यादव हैं वो इससे पहले विधायक थे, राज्य मंत्री भी थे लेकिन किन्हीं आरोपों की वजह से उन्हें अपना मंत्री पद खोना पड़ा था, राव इंद्र जी के नजदीकी माने जाते थे। अब उस कोसली से राव नरवीर को आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में वहां उनका नाम हो सकता है। दूसरा नाम एक और, हालांकि अभिमन्यु राव का नाम वहां से सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री के निजी सचिव है लेकिन अभी ये नाम तय नहीं हुआ, उन दोनों नामों पर अभी चर्चा चल रही है, राव नरवीर होंगे या अभिमन्यु होंगे या कोई और तीसरा नाम आता है। इसके अलावा रेवाड़ी का भी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया गया, लेकिन रेवाड़ी की अगर बात करें रणधीर कापड़ीवास की टिकट कट रही है, उनकी जगह सुधा यादव का नाम सामने आ सकता है, 3 तारीख को यह लिस्ट सामने आएगी। अब प्रेस वार्ता नहीं होगी, सीधा सूची जारी की जाएगी 12 उम्मीदवारों के नामों को लेकर के। हम दोबारा रोहतक पे आएंगे कि कोसली को लेकर के अभी राव नरवीर की उम्मीद जरूर अभी जगी है, हालांकि वो पार्टी में अब कितनी अपनी बात रख पाते हैं या क्या संदेश पहुंचाना, या पार्टी जो संदेश पहुंचाना चाहती थी राव नरवीर तक वो पहुंचाया नहीं, अभी ये पार्टी इस पर जरूर चर्चा करेगी। और हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में कई ऐसे कार्यक्रम किए गए, चाहे हम प्रधानमंत्री के दौरों की बात करें, कई कार्यक्रम रखे गए, कई बड़ी रैली रखी गई, हाल ही में हमने एक बड़ी रैली देखी, अमित शाह के कार्यक्रम देखे, जेपी नड्डा के वहां पर कई कार्यक्रम रहे, कहना कि एक पकड़ थी कि इन गढ़ को सबसे पहले गढ़ बनाने का कहीं ना कहीं एक प्रयास जो है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जो है किया जाता था, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कह रहे हैं उसमें बीजेपी काफी आगे बढ़कर के बीजेपी के कई कार्यक्रम रहे, लेकिन हर बार बात यही कही जाती थी कि प्रदेश भाजपा का मुख्यालय जो है वो रोहतक के अंदर है, इसलिए तमाम कार्यक्रम वहां पर किए जाते हैं। एक विधानसभा और जोड़ना चाहूंगा, उससे कुछ अलग जरूर है, दीपक अपनी बात पूरी करें जल्दी से। करनाल लोकसभा के अंदर ही पानीपत की शहरी की एक विधानसभा आती है, पानीपत शहरी विधानसभा की अगर बात की जाए, रोहिता रेवड़ी, हालांकि उनका खुद का जो अगर रिपोर्ट कार्ड कहें तो वो ठीक रहा क्योंकि बीजेपी को नगर निगम चुनाव में अच्छी जीत भी मिली, लेकिन रोहिता रेवड़ी के कुछ पारिवारिक ऐसे कारण रहे, कुछ उनके परिवार पे कुछ सदस्यों को आरोप लगे जिसके चलते फिलहाल वहां टिकट कटने के आसार भी हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं, अभी उस लिस्ट का उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहां पर भी अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि नया चेहरा उस पानी शायद नया चेहरा वहां पर आ सकता है, पार्टी उसको मौका दे सकती है, लेकिन कुछ गुंजाइश कहीं और भी रखी गई। एक संभावना और है अतुल, इसमें जिस तरह से रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, सुधा यादव का निश्चित रूप से नाम चल रहा है लेकिन बहुत पहले ये खबर भी थी कि मुख्यमंत्री या बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से राव नरवीर को भी कहा गया था कि रेवाड़ी में वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, रेवाड़ी में बाकायदा उनका
पुराना जिस तरह से रसूख भी रहा है, तो रेवाड़ी की जो संभावना है वो नरवीर के लिए भी इतनी खुली हुई है जितनी सुधा यादव के लिए। बिल्कुल, जगदीश एक पुराने एमएलए हुआ करते थे, वो उनको मुख्यमंत्री ने शामिल करवाया, बड़ा नाम है जगदीश भी, जिस तरह से जगदीश यादव हैं। तो वहां कोसली की बात करें, कोसली में इस तरह का समीकरण भी है कि जगदीश यादव को यहां कोसली रखा जाए और राव नरवीर के लिए रेवाड़ी रखी जाए। ये सुधा यादव को कितना मना पाता है, किस तरह की है, क्योंकि सुधा यादव पूरी तरह से चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश में है। बिल्कुल, तो गुंजाइश अभी भी बरकरार है, वो चाहे सुधा यादव की बात हो या फिर जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे सुभाष बराला का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनका टिकट पक्का हो गया। जो कह रहे थे सोलंकी साहब की जो मौजूदा दौर में परिस्थितियां हैं, तो एक संदेश दिया गया है कि दबाव नहीं चलेगा, लेकिन एक विकल्प रखा भी गया है कि हां वहां से आपको हम मौका दे सकते हैं, आप दबाव मत बनाइए। राव नरवीर का हम जिक्र कर रहे हैं। राज, मौजूदा दौर में बहुत बैलेंस के साथ सारी चीजें रख दी गई, महिलाओं का टिकट कटा तो 9 महिलाओं को मौका भी मिला, उसके साथ साथ मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों को भी तीनों को मौका दिया गया है। लेकिन अब यहां पर सबसे अहम यह है कि वो जगहें जो कि किसी पार्टी की, चाहे क्षत्रप पार्टी हो उनके नेता हो या फिर राष्ट्रीय दल उनके एक नेता उनका गढ़, वहां की चुनौती ही सबसे बड़ा रोड़ा है, वो अभी भी पार्टी ने ख्याल रखते हुए ही बैलेंस करने की बात कही है। और कुछ 12 सीटों पर जो इंतजार होगा उसमें हम देखेंगे कि उसकी झलक भी दिखाई देगी। बिल्कुल देखिए अतुल, जरूर वो झलक दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से मेरे सहयोगी सुंदर सोलंकी ने भी बताया कि जो विकल्प है अभी, और इससे पहले भी जैसे कि जिक्र किया था कि अभी जो विकल्प है, क्योंकि 12 अभी सीटें हैं जो कि घोषणा होनी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट वहां हो सकती है और इसकी पूरी पूरी संभावना भी है। लेकिन अभी देखना होगा जब 3 तारीख को जो अंतिम लिस्ट आएगी बीजेपी की, उसमें साफ होगी स्थिति की क्या वो एडजस्टमेंट हुई या नहीं हुई। लेकिन बिल्कुल कि रेवाड़ी और कोसली ये दो ऐसे विकल्प है जिसमें अगर कोसली की बात कर ले या फिर रेवाड़ी की बात कर ले, यहां पर जो है राव नरवीर सिंह को मौका दिया जा सकता है, वहां से उनको लड़ाया जा सकता है, तो इस तरह की एक संभावना बन सकती है। और रही बात, क्योंकि जो शुरुआत से बादशाहपुर के लिए ही वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन हां बीच में कुछ जरूर ये चर्चाएं आई थी कि रेवाड़ी शायद उन्हें भेजा जा सके, और जो लिस्ट आई है उन चर्चाओं को वो पुख्ता भी करती है कि बादशाहपुर से उनका नाम काट दिया गया, वहां से उनकी टिकट कट गई है, तो क्या अब रेवाड़ी या कोसली वो दूसरे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मंत्री रहे हैं, एक बड़ा कद रहा है राव नरवीर का और मुख्यमंत्री के खासे नजदीक भी राव नरवीर को माना जाता है, तो कई समीकरण हैं जिनको देखते हुए वहां पर उनको एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि एक जो विरोध था, अगर हम फरीदाबाद में विपुल गोयल की बात कर लें, रिपोर्ट कार्ड के अलावा, विवादों के अलावा, कहीं ना कहीं केंद्र राज्य मंत्री जो कृष्णलाल गुर्जर जो थे वो उनका लगातार विरोध कर रहे थे, और उनके बीच के जो मतभेद है वो जग जाहिर है, और कुछ इसी तरह की स्थिति राव नरवीर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के साथ भी रही है, तो इन दोनों के भी मतभेद जग जाहिर है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक दबाव है क्या वो काम किया कि केंद्रीय राज्य जो के मंत्री है, केंद्रीय जो मंत्री है उन्हें खुश करने के लिए ये टिकटें कटी है, और साथ साथ जो रिपोर्ट कार्ड और जो विवाद है वो भी कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा बना। लेकिन अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा कि अभी विकल्प जो है रेवाड़ी और कोसली का राव नरवीर के लिए खुला हुआ है, और उसको लेकर कितना कंसीडर करती है बीजेपी, और जिस तरह से मेरे सहयोगी दीपक ने भी कहा कि अभी अपनी बात वो पार्टी आलाकमान के सामने किस तरह से रख पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नजदीकियां मुख्यमंत्री के साथ रही थी तो उनकी गुड बुक में भी रहे, और शायद एक वो जो पैरवी है वो कहीं ना कहीं रहे, और एक मौका जो है कोसली या रेवाड़ी में से किसी एक विधानसभा से कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह को दिया जा सकता है। बिल्कुल, विकल्प खुला हुआ है, विकल्प दिया गया है, शायद अगर अभी कोई भी संशय होगा या फिर जिस तरीके से उनके मन में कोई पीड़ा थी अतुल, एक उसको लेकर और बड़ी चीज देखने को मिली है, अतुल एक और बड़ी चीज देखने को मिली है, जिस तरह से बीजेपी में लगातार ये सिलसिला चल रहा था कि दूसरे दलों से शामिल होने वालों को क्या होगा, क्योंकि अपने लोगों को दरकिनार करना पड़ेगा या उनको पूरा सम्मान मिलेगा जो दूसरे दलों को छोड़ के आए, ये तस्वीर भी देखने को मिली है। चाहे रामकुमार कश्यप की बात करें, राज्यसभा सांसद हैं, उनको इंद्री से टिकट दिया गया है, इसके अलावा चाहे बात करें ये बलकौर सिंह की बात करें, बच्चन सिंह आर्य सफीदों से कांग्रेस के पुराने नेता हुए करते थे, इसके अलावा बात करें रामचंद्र कंबोज, वो भी इनेलो के नेता थे, उन्हें भी टिकट दिया गया, टिकट से नवाजा गया। पवन बेनीवाल हालांकि पिछली बार ही शामिल हो चुके थे, लेकिन चाहे बात करें रणवीर गंगवा की बात करें, इसके अलावा बबीता फोगाट हैं, सतीश नांदल हैं, तो इस तरह के कई सारे नाम हैं जिनको तवज्जो दी गई है, ताकि ये संदेश रहे कि बीजेपी में आने वाले का, शामिल होने वाले का पूरा सम्मान किया जाता है। ये और एक बड़ी देखने को
बात मिली है, जुलाना से जिस तरह से टिकट दिया गया, हालांकि कलायत से उन्हें रामपाल माजरा को शामिल किया गया था, उन्हें टिकट में शामिल नहीं किया गया। चलिए, तो यानी अगर आप बाहर से आए हैं और आप में विनिंग एबिलिटी है तो उसका भी यहां पर ख्याल रखा गया और सम्मान भी दिया गया है टिकट देकर। अब सम्मान टिकट देकर उन लोगों का तो कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का जो अपने थे उनका टिकट कटा है, तो वहां से कुछ भगदड़ भी रहेगी। विपिन, यहां पर अगर हम अंबाला की बात करें तो गोयल के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी, जैसा जिक्र कर रहे थे सुंदर कि बाहर वालों का तो सम्मान रखा गया, लेकिन कुछ अंदर वाले किसी को नहीं चाहते थे, वहां पर भी कुछ लड़ाई अलग तरीके की चल रही थी, लेकिन वहां पर ये सहमति बन गई गोयल के नाम पर। बाकी अन्य सीटों की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी कुछ नाराजगी की बात थी या विरोध था अपने ही लोगों का कि नहीं इस नाम पर सहमति नहीं, फिर भी वहां पर शीर्ष नेतृत्व ने उस नाम पर सहमति बनाई। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, चर्चा में यही नाम थे जो कि जिनका नाम आप ले रहे हैं अंबाला सिटी से, असीम गोयल, कि इनका जो है कि जिस तरह से विद इन द पार्टी जो विरोधाभास था उसका कहीं ना कहीं लगातार ये चर्चा थी कि टिकट कट सकता है, लेकिन विनिंग एबिलिटी, मैंने आपको लगातार एक बात कही है कि विनिंग एबिलिटी जरूर देखी गई है, कहीं ना कहीं 19-21 का जो फासला है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल विपिन, ये जन आशीर्वाद यात्रा करने की जो स्थिति थी वहां पर उसको अगर हम देखें तो विनिंग एबिलिटी को भी ख्याल में गया, उसके साथ साथ तमाम चीजें जो अंबाला का मैं जिक्र कर रहा था, अगर कुरुक्षेत्र की हम बात कर ले, जो वहां की लड़ाई है या ओवरऑल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, कि उस बेल्ट को ध्यान में रखा गया है जहां पर एक युवा लड़ सकता है और जीत सकता है, या अगर कोई बहुत पुराना अपना ही साथी था लेकिन वो दबाव की बात कर रहा था तो उसको भी वहां पर संदेश दे दिया गया है। कुल मिलाकर 75 पार की रणनीति है। विपिन, चलिए अतुल, मैं एक बात और इसमें, जिस तरह से सुंदर, जिस तरह से ये लगातार जो हम बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने रसूख के चलते, चाहे रविंद्र जीत की बात करें फॉर एग्जांपल, तो उनकी लोकसभा में चाहे वो कोसली हो, रेवाड़ी हो, बावल हो, पटौदी हो, मेवात की 3 सीटें आती हैं, सोना हो, अगर उसका जिक्र करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो कोशिश कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझे 10 सीट दे दो, मैं 10 की 10 जिता दूंगा, लेकिन उनका सीएम के प्रति जिस तरह से व्यवहार रहा पिछले दिनों देखने को, कि वो अलग से अपनी सियासत बताना चाह रहे हैं कि उनका पूरे अहिरवाल में दबदबा है, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है, उन्हें ये बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी में पूरी तरह से जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें पार्टी ही निर्णय करती है, इंडिविजुअल का इतना कुछ नहीं होता है। अब बात करें पटौदी से, पटौदी से उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि विमला चौधरी, जो उनकी बेहद करीबी मानी जाती हैं, उनको दरकिनार कर जो टिकट दी गई है वो ये सत्यप्रकाश जरावता हैं, उनको दी गई है। इसके अलावा बात करें कोसली का, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, रेवाड़ी का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनकी केवल और केवल जिस तरह से बावल सीट है, डॉक्टर बनवारी लाल हैं जो सूबे में राज्य मंत्री भी हैं, उनको टिकट दी गई है, और मेवात में उनके पिछले जिस तरह से समर्थक थे उनको भी दरकिनार किया गया है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा मैसेज है राव इंद्रजीत के लिए जो अब तक के 78 नाम आए हैं। बिल्कुल, तो राव नरवीर से लेकर राव इंद्रजीत के लिए भी संदेश भी है, और नामों में कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि क्या होगा इनका। उसमें सबसे बड़ा नाम और जो बड़ी खबर मैंने आपको दिखाई थी कि 2 मंत्रियों के टिकट कटे, हालांकि हमारे तमाम सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं कि उसमें एक विकल्प कम से कम नरवीर साहब के लिए दिखाई देता है, दूसरी सूची जब आएगी तो शायद उसमें संभावना उसकी प्रबल हो सकती है, विकल्प वहां पर खुला हुआ है। विपिन, यहां पर अब हम बात कर लें तो ओवरऑल जो परिस्थितियां बन रही है, 75 पार का नारा और उसी के लिए एक लंबा मंथन चल रहा, एक तरफ बीजेपी का ये नारा है तो उसको कैसे खत्म करें, कैसे तोड़े कांग्रेस पार्टी, वो कई घंटे की बैठक लगातार चल रही, नई पार्टी का उदय और उनका ये मानना कि कई बड़े लोग और युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम ही लड़ाई में टक्कर में हैं, और एक ऐसा दल जो कि खाली बस लेकर चल रहा उसको इंतजार है कि बस में सवारियां भरें टिकट लेने वालों की, तो इन तमाम नामों के बाद वो संकेत कितने मिलने लगे।
देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अब जो है दो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं, एक तो 75 पार का आंकड़ा और साथ ही साथ जो जिनके नाम कटे हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो मेन फोकस पार्टी का रहा, भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में रखा गया है, वो मेन फोकस रखा गया है जिताऊ कैंडिडेट्स को, इस सूची में जगह मिली है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां जो अभी तक अपनी सूची तैयार नहीं कर पाई है, कांग्रेस का मंथन लगातार चल रहा है, उनके सामने अब वो चेहरे बिल्कुल स्पष्ट हैं जिनके खिलाफ उन्हें कैंडिडेट्स उतारने हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से जो प्रतिद्वंदिता है, अगर बात करें जो कंपटीशन है, उसमें अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और तमाम एक सीधा संदेश दिया है, चाहे पार्टी लेवल से ऊपर जो है कोई नहीं है, चाहे आप दबाव बनाइए, चाहे आप डर दिखाइए, चाहे आप कुछ कहिए, हम जो है जो फैसला पार्टी का है, जो कार्यकर्ता के सम्मान में लिया जाएगा, उसी के तहत जो है जो कैंडिडेट्स है उनका चुनाव किया गया है। ऐसे में अब जो है काफी इंटरेस्टिंग रण जो है 2019 का ये विधानसभा का रण जो है हरियाणा के परिपेक्ष में अगर बात करें तो काफी बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि अब जैसे जैसे सूचियां आएंगी, बाकी दलों की भी जो सूची आएंगी, देखना यह होगा कि प्रतिद्वंदिता किस तरह से देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस की सूची अभी आनी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 78 सिपे सलार जो उतारे गए हैं मैदान में, उनके सामने कौन से नाम रखे जाएंगे और किस तरह का कंटेस्ट जो है वो हरियाणा प्रदेश की सियासत के परिपेक्ष में देखने को मिलेगा, ये वक्त तय करेगा। बिल्कुल, और जो स्पेशल 78 जिन पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं, उसमें कुछ नाम जो कि बड़े नाम थे वो नहीं है, वो स्पेशल नहीं माने गए हैं और कुछ को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है या फिर ट्रीटमेंट भी स्पेशल मिला है, जिसका जिक्र सुंदर कर रहे थे। एक और चीज है जिस तरह से क्योंकि नेशनल हाईवे नंबर एक की जिस तरह से बेल्ट मानी जाती है, उत्तर भारत की जिस तरह से बेल्ट मानी जाती है, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार, उसी की स्थिति को देखते हुए, विनेबिलिटी को देखते हुए, कालका से लेकर अगर बात करें हम राय तक बात करें, जो आखिरी सीट आती है नेशनल हाईवे पर, वहां सभी जो विधायक जो जीते, चाहे वो मंत्री रहे, उनको दोबारा उन पर भरोसा जताया गया, ये अपने आप में बड़ी देखने की बात है। और चाहे बात करें जिस तरह से पानीपत शहरी सीट का जिक्र हो रहा है, यकीनी तौर पर रेवती जो वहां से विधायक हैं रोहित रेवड़ी, उनके खिलाफ पूरा बड़ा विरोध है और ये पूरी जिस तरह से बात आ रही है कि उनको शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़े कि उनको टिकट ना मिले। तो नेशनल हाईवे नंबर एक की सभी सीटों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी, चाहे प्रदर्शन की बात करें चाहे माहौल की बात करें, बिल्कुल वहां अच्छा है और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर जो विधायक थे मौजूदा जिनको टिकट उन पर भरोसा वैसे ही रखा गया। ठीक है, बहुत जल्दी से राज, बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, मौजूदा परिस्थितियों में स्पेशल 78 की जो बात थी उसमें हर उन चीजों का ख्याल रखा गया और समीकरण वैसे ही बने हैं, लेकिन जिनको स्पेशल नहीं माना गया उनका भी अपना रुतबा है, तो अब कम से कम इस बेल्ट में जहां से आप हमारे साथ जुड़कर चर्चा में शामिल हैं वहां पर कार्यकर्ताओं का विरोध और उनका विरोध खुलकर दिखाई देगा, इसकी पूरी संभावना है। बिल्कुल, देखिए अतुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है उनके कार्यकर्ताओं को नेताओं का विरोध बिल्कुल दिखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नेता सीधे तौर पर सामने तौर पर जो है विरोध ना जताए, लेकिन अंदरूनी विरोध कहीं ना कहीं रहेगा कि जिनके टिकट कटे हैं और दूसरे कैंडिडेट्स को जो टिकट मिले हैं वो उनका सामने जरूर वो उनके साथ खड़े नजर आए, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है कहीं ना कहीं एक काट होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो सीधे तौर पर जो है चुनाव मैदान में भी आ सकते हैं, और जब चुनाव मैदान में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे तौर पर जो है एक चुनौती रहेगी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके सामने। तो अभी तमाम तरह के जो समीकरण है वो बनने और जिस तरह से निकल कर आई है सूची से, तो अभी आने वाला जो समय है 2-3 तारीख वो और दिलचस्प रहने वाला, क्योंकि एक या दो ऐसी वो है, और सिर्फ अगर बात कर ले राव नरवीन की दक्षिण हरियाणा में तो एक वही एक है जिन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर गुरुग्राम की बात करें, होल्ड की गई है, लेकिन उमेश अग्रवाल जो कि प्रदेश अब तक सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन जो लगातार मुख्यमंत्री के साथ और सरकार के साथ जो उनका विरोधाभास था, कहीं ना कहीं वही एक बड़ी वजह रही कि उनका टिकट कट रहा है, लेकिन अभी होल्ड किया गया, देखना होगा कि कौन चेहरा उनको रिप्लेस करते हुए यहां पर होगा। तो तमाम तरह के जो अब समीकरण है वो स्पष्ट है। इसके बिल्कुल सभी का ख्याल रखा गया है और तमाम हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों का, कहां से कहां तक कौन से बेल्ट में किस पर कितना भरोसा और क्यों भरोसा, और अगर भरोसा नहीं था तो उसका कारण क्या है। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सोनल का रुख करते हैं। जी हां, चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, बीजेपी की जो अगली लिस्ट है वो 3
अक्टूबर को बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। बड़ी खबर, 3 अक्टूबर को बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी। 3 अक्टूबर को 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। 78 उम्मीदवारों का ऐलान आज हो चुका है और 12 उम्मीदवार जो बचे हैं, 3 अक्टूबर को उनकी सूची बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।